हेलो गाइस, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग व्हाट इज कैड। कैड मींस कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एंड व्हाट आर दिस ऑटो? ऑटो मींस एक कंपनी है, यूएसए बेस्ड कंपनी है, ऑटोडेस्क, जिसने 1982 में ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। सो दिस इज ऑटोकैड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाई वी यूज ऑटोकैड। बेसिकली ऑटोकैड जो हम लोग यूज करते हैं ड्राफ्टिंग पर्पज से, हम ऑटोकैड का यूज करते हैं। ड्राफ्टिंग मींस शीट पे कोई भी 2D स्ट्रक्चर बनाना, इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। नाउ बट अगर हम बात करें इंजीनियरिंग सेक्टर की या आपके आर्किटेक्चर सेक्टर की या इंटीरियर सेक्टर की, तो हर पर्पज से हम लोग ऑटोकैड को ड्राफ्टिंग पर्पज से यूज करते हैं। अभी हमने बात करी कैड के बारे में। कैड मींस कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। बट अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग के बारे में, तो ड्राफ्टिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन। तो बेसिकली हम लोग ऑटोकैड में 2D ड्राफ्टिंग करते हैं। बट अगर आप लोगों ने सुना हो ऑटोकैड में 2D एंड 3D हम लोग दोनों में काम कर सकते हैं। दैट मीन कि सपोज अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑटोकैड में 2D प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर आपको उन्हीं प्लान्स को 3D में कन्वर्ट करना हो या 3D बनानी हो, तो डायरेक्टली हम लोग ऑटोकैड में 3D में भी काम कर सकते हैं। बट बेसिकली अभी हम लोग बात करने वाले हैं, अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑटोकैड 2D के बारे में। नाउ फर्स्ट थिंग इज कि ऑटोकैड की जरूरत क्या है, हम लोग ऑटोकैड यूज करते क्यों हैं। जब ऑटोकैड या ऐसे ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं थे या नहीं आया करते थे, उससे पहले भी तो ड्राइंग्स बना करती थी। किसी भी बिल्डिंग को बनाना है, कोई भी मशीन का कंपोनेंट के व्यूज बनाने हैं, कोई भी इंटीरियर कंपोनेंट्स बनाने, डिजाइन करने हैं, ड्राफ्टिंग करनी है, उस समय भी हम लोग शीट्स पर काम किया करते थे। नाउ जब से हमारे पास ऑटोकैड या ऐसे बाकी 2D सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तब से शीट्स को रिप्लेस कर दिया है इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ने। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑटोकैड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, नाउ ऑटोकैड में हम लोग काम करते कैसे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करें कुछ भी बनाने की, कोई भी 2D स्ट्रक्चर बनाने की, दुनिया की किसी भी ड्रॉइंग को बनाने के लिए हम लोग कुछ ज्योमेट्रीज को फॉलो करते हैं, यूज किया करते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहली सबसे सिंपल ज्योमेट्री लाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लाइन के अलावा कुछ और ज्योमेट्रीज भी आती हैं, जैसे कि कर्व्स। अगर हम बात करें लाइंस के बारे में, लाइन मींस किसी भी टाइप की लाइन ड्रॉ करना, रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना, पॉलीगन्स ड्रॉ करना, सारे के सारे ज्योमेट्रीज अंडर लाइन कवर करती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कर्व्स। कर्व्स मींस सर्कल, आर्क्स, पैराबोला, एलिप्स, बोला, स्प्लाइंस, सारी की सारी ज्योमेट्रीज आती हैं अंडर कर्व्स। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि हम लोग लाइंस और कर्व से दुनिया की कोई भी 2D ड्राइंग्स बना सकते हैं, थर्ड ज्योमेट्री नहीं होती। अब अगर हम बात करें कि लाइन और कर्व से हम दुनिया की कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, तो लाइन और कर्व तो हमारे सिंपल कंप्यूटर में पेंट एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें भी अवेलेबल होती है। तो अगर लाइन्स और कर्व से हम कुछ भी बना सकते हैं, तो हम लोग ड्रॉइंग्स बनाने के लिए इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज क्यों कर रहे हैं। पेंट में भी हमें चीजें मिलती हैं, वहां हम लोग ये ड्रॉइंग्स बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। हम लोग किसी भी ड्रॉइंग को बनाने के लिए जनरली इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, ना कि पेंट को। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें 2D ड्रॉइंग्स बनाने की, 2D ड्रॉइंग्स में ज्योमेट्रीज के अलावा बाकी कुछ चीजें और भी हैं जो हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि यूनिट्स। अगर हम बात करें पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, तो पेंट में जब हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी सर्कल बनाते हैं, कोई भी कर्व बनाते हैं, तो वहां पर सॉफ्टवेयर हमसे कभी यह नहीं पूछता कि इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, या आपने जो लाइन ड्रॉ करी है, जो कर्व बनाया, जो सर्कल बनाया, आपको नहीं पता कि उसका साइज क्या है, उसकी यूनिट क्या है। बट अगर हम बात करें ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की, तो सबसे पहला काम कि यहां पर हमारे पास मल्टीपल यूनिट सिस्टम अवेलेबल है। मीन्स अगर आपको कोई ड्राइंग डेसिमल में फॉर्मेट में बनानी है, तो हमारे पास यहां पर डेसिमल फॉर्मेट का यूनिट सिस्टम है। सिमिलर आपको फ्रीक्वेंसीज में काम करना हो, तो वो चीजें भी हमको यहां पर इजीली अवेलेबल है।
नाउ नेक्स्ट इज सिर्फ यूनिट्स नहीं, बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको बाकी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा एक्यूरेसी का, आपने नाम सुना होगा प्रिसीजन का, ये चीजें भी हमको ऑटोकैड में बहुत अच्छी तरह से मिल जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में, अगर हम बात करें सपोज सोचिए हमारे पास एक लाइन है 1.5 कोई भी यूनिट हो सकती है मिलीमीटर सेंटीमीटर, सपोज इस पर्टिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में हम दो लाइंस और खींचते हैं, सपोज एक लाइन की लेंथ हमारी है 1.49 एंड दूसरी लाइन की लेंथ है 1.3889, तो अगर हम बात करें इन दोनों लाइनों के बारे में तो इन दोनों लाइंस में से ज्यादा एक्यूरेट लाइन ये है, एक्यूरेट लाइन 1.49 मीन्स इन दोनों में से सबसे ज्यादा सबसे नियरेस्ट वैल्यू जो है वो 1.49 है, सो दिस इज एक्यूरेसी। एंड अगर हम बात करें इस वैल्यू के बारे में 1.3889, ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा प्रिसाइज है, प्रिसाइज मीन्स हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू से ज्यादा माइन्यूटली मेजर किया हुआ है। तो अगर हम बात करें ऑटोकैड की तो ऑटोकैड में हम लोग अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस तक काम कर सकते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली अपने स्केल या बाकी और टूल से मेजर नहीं कर सकते। सो ये बहुत सारे रीजन हमारे हैं जिसके लिए हम लोग अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को बनाने के लिए या अगर हम बात करें 2D ड्राइंग्स को बनाने के लिए जनरली ऑटोकैड की हेल्प लेते हैं। ये तो बात थी सॉफ्टवेयर की कि हम लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज क्यों कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में काम कैसे करेंगे। ऑटोकैड में किसी भी ज्योमेट्री को बनाने के लिए सबसे पहली बात आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑटोकैड में बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम लोग काम नहीं कर सकते। सो आज के लिए सिर्फ हम लोगों ने डिस्कशन किया है ऑटोकैड के बारे में कि ऑटोकैड का रोल क्या है, इसका यूज क्या है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम लोग ऑटोकैड में काम कैसे करते हैं। सो थैंक यू।